हेलो सम गाइस, दिस इज फिजो फिल्म्स। और आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो बहुत कमाल है। वो बहुत कमाल है, मतलब कि यार इसी टॉपिक से हमारा चैनल जिंदा है। अगर हमने इस टॉपिक पे वीडियोस ना डाली होती, जो हमने 3-4 डाली हुई है, तो अब तक हमारा चैनल भी डेड हो चुका होता। उसी वजह से हमें व्यूज भी आ रहे हैं, तो हमने कहा क्यों ना फिर से एक और इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, आपकी हेल्प भी की जाए और थोड़े व्यूज भी लिए जाए। आज की जो वीडियो है उसके दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक तो 50 के पीसी बिल्ड, और दूसरा टॉपिक है जैसे कि हमारा 50 के पीसी बिल्ड कराया था 2 साल पहले, जिसकी वीडियो हमने डाली थी और कोई 50,000 समथिंग व्यूज़ हैं। तो वो 2 साल पहले की थी, तो हम इसी तरह ना हमने पिछले साल भी थोड़ी अपग्रेडेशन कराई थी। तो इस बार जैसे कि 2020 काफ़ी गेम जो है वो हैवी हो चुकी हैं, तो हमें ज़रा अपना पीसी अंडर पावर लगने लग गया था 50 के वाला। तो हमने कहा कि इस बार थोड़ी सी मेजर अपग्रेड कराई जाए, या तो प्रोसेसर की या तो ग्राफिक कार्ड की, इन दोनों से कोई एक। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे क्या हमने करवाया, तो उसका व्लॉग है पूरा, तो उसकी तरफ बाद में चलते हैं। सबसे पहले 50 के पीसी बिल्ड की तरफ आते हैं। हमारा बजट है 50 के, तो मैं आपको पहले बता दूँ कि आप यार 50 से 60 तक ही रखें अपना बजट, क्योंकि कोई पता नहीं कि आपको जो हमारा 50 के का बन जाए वो आपको 60 के का बन जाए। ये डिपेंड करता है कि आपको किस प्राइस पे क्या चीज़ मिलती है। मुझे सस्ती मिल जाए, आपको महंगी मिल जाए, आपको हो सके सस्ती मिल जाए। स्पेक्स की बात की जाए 50 के पीसी बिल्ड की, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है हमारा प्रोसेसर। तो प्रोसेसर की बात की जाए यार, मेरी नज़र में एक ही प्रोसेसर है, Core i7 3rd generation। अभी बजट के लिहाज से मतलब मेरे ख्याल से ठीक है, मतलब आज के जमाने सही आपको गेमिंग करवा देगा प्रोसेसर। और जब हम इसके साथ GPU लगाएंगे तो उसका जो कॉम्बो होगा वो बेस्ट होगा, मतलब आपको आराम से 1080p हाई सेटिंग में सब सारी गेम्स खिलाएगा। तो प्रोसेसर जो है Core i7 3rd generation, जैसे कि हमारा 2 साल पहले हमने आपको रिकमेंड किया था Core i7 2nd generation, तब 2 साल पहले था तो हमने भी लगवाया था। इस साल हम सोच रहे थे कि हम 3rd के ऊपर अपग्रेड कर लें, लेकिन जब हमने उनसे पूछा भाईजान से, मतलब जो हाफीज सेंटर हम गए, आपको शॉप के भी नाम बता देंगे कहाँ कहाँ से हम लेते हैं, तो जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार एक जनरेशन अपग्रेड करना पैसा एक ज़्यादा ही है, मतलब इतना कुछ डिफरेंस भी नहीं है। जाना तो 4th या 5th के साथ जाओ, वो कुछ मतलब आपको कुछ चेंज भी दिखाएगा। 3rd के ऊपर और 2nd में इतना कुछ फ़र्क नहीं है। तो हमने कहा यार ये भी बात ठीक है, तो हमने फिर जो पैसे थे वो कहीं और लगा दिए, वो आपको आगे बताएंगे। तो प्रोसेसर तो हो गया Core i7 3rd generation। एक्जिनोस का भी मैंने सुना है, ट्राई नहीं किया, लेकिन सुना है कि Core i7 3rd generation सस्ते में आपको वही पावर दे देता है, तो उसकी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी बस Core i7 3rd generation। अब हम बात करते हैं रैम की। तो यार मैं आपको पहले बता देता हूँ यार, अभी 50 के पीसी बिल्ड आप करा लें, कुछ चीज़ों का ना हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ताकि हम फ्यूचर के अंदर जाके उसको अपग्रेड कर पाएँ, ताकि हम जो दूसरा मतलब जिस तरह GPU और अपना प्रोसेसर हो गया उसको हम अच्छा ले पाएँ, ताकि हमें बाद में अपग्रेड ना करना, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं महंगी होती हैं। तो हम इस रैम में देखेंगे तो रैम हम 8GB पे जाएंगे, मतलब अभी 8GB लगाएंगे। 8GB मेरे ख्याल से गेमिंग के लिए इनफ होती है, मतलब इतनी भी नहीं है लेकिन बस खिला देती है 8GB, मतलब अभी गेम्स 8GB ही मांगती हैं, सारी गेम्स काफ़ी हद तक चल जाती हैं और परफॉर्मेंस भी सही मिलती है स्मूथ। तो 8GB रैम और पावर सप्लाई यार मैं कहूँगा 450 से 500 तक आपको जोन से मिले पावर सप्लाई आप ले लें। 500 करेंगे तो फ्यूचर प्रूफ रहेगी, और 450 लेंगे तो हो सकता है आपको आगे जाके अपग्रेड करनी पड़ जाए, लेकिन जो अभी पीसी बिल्ड बताऊँगा उसके लिए 450 भी चल जाएगी, लेकिन 500 ठीक है, 500 फ्यूचर प्रूफ रहेगी। और अगली कौन सी चीज़ आती है, केसिंग। केसिंग यार कोई सी भी आप पे है, अगर 60K तक लेके जाना चाहते हैं तो आप अच्छी केसिंग भी ले सकते हैं 5-6 हज़ार तक। अगर आप बेसिक रखना चाहते हैं कि यार हार्डवेयर अच्छा है, केसिंग तो यार फ्यूचर में भी करा लेंगे, तो आप फिर केसिंग 2000 से 2500 तक की केसिंग ले लें कोई सी, तो होती है Dell HP वाली, तो वो ले लें। हार्डवेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें, तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ आगे जाके फ्यूचर में। अगर आपका बजट टाइट है, अगर 60K तक हो जाता है, तो फिर आप 5000 की केसिंग लगा लें, जिस तरह हमने 5000 की केसिंग लगाई थी। बड़े लोग पूछते हैं
बात की जाए हार्ड डिस्क की, तो यार ये सारी यूजेज जो होती है वो आप पे डिपेंड करते हैं, आप कितनी स्पेस आपको चाहिए और बजट पर भी डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको कहूँगा मस्ट है वो है SSD, 128 GB की SSD जिसके अंदर विंडो होए वो मस्ट है। मतलब वो PC की परफॉर्मेंस यार बहुत अपग्रेड होती, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा। और मैकेनिकल जो हार्ड डिस्क होती है वो आप पे डिपेंड करता है, आप 512 वाली लेते हैं या 1 TB लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है। और लेकिन SSD मस्ट है, वो ज़रूरी है। तो यार अगली चीज़ है मदरबोर्ड। तो यार मदरबोर्ड ये आपको वो बंदा ही बताएगा जिससे आप बनवाने, मैं आपको बता दूंगा, शॉप बता दूंगा ट्रस्टेड शॉप और जो मतलब रेट उनके सबसे बेस्ट है। एक है आर्बिटेक जहाँ से इस साल मैंने अपग्रेड कराया, और दूसरी है गेम्स एंड गीक्स जिससे जितनी बार भी हमने अपग्रेड कराया पिछले 2 सालों में उन्हीं से कराया है। तो मतलब ये दो जो ट्रस्टेड है जो मैं जानता हूँ, और मतलब इनके रेट भी बेस्ट होते हैं। तो मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मतलब इनके नाम वगैरह एड्रेस वगैरह दे दूंगा, तो आप खरीदने रेट वगैरह पता करने फ़ोन भी कर सकते हैं, जो मर्जी करना कर लें। तो ये दो दुकानें हैं, तो ये आपको सजेस्ट भी कर देंगे कौन सा मदरबोर्ड है, जब आप स्पेक्स ले लेंगे तो वो खुद ही लगा देंगे आपको कोई सस्ता सा 3000 तक का मदरबोर्ड आ जाएगा, 3000 तक का जो आपकी सारी यूजेज आपकी फुलफिल कर देगा। लास्ट चीज़ जो है वो रह गया है GPU। और यार GPU जो है यार मुझे अभी जो 2020 में यार सबसे बेस्ट जो भी दिख रहा है ना बजट में वो है RX 580। मतलब यार ये तकरीबन आपको मेरे 25000 तक आपको मिल जाएगा ये 25, कुछ लोग 27 का भी दे रहे हैं। और मैंने तो अभी लॉकडाउन के बाद इसका रेट बढ़ गया है, मतलब लॉकडाउन से पहले तो यार ये 23 तक का भी मिल रहा था। तो अब यही है, डिपेंड करता है आप जहाँ से लेते हैं वो क्या मिलता है, कितने रेट का मिलता है। और मैं आगे अपने PC की अपग्रेडेशन बतानी है तो उसके अंदर भी बताते हैं हमें क्या क्या रेट मिला है। तो ये तो हो गया 58 का PC बिल्ड, मतलब आपको सारी स्पेक्स बता दी हैं। RX 580 बेस्ट फॉर गेमिंग, यही सजेस्ट करूँगा। और आगे अब बाकी अपने PC की तरफ चलते हैं, बताते हैं कि क्या आपने अपग्रेड कराया, व्लॉग है थोड़ा वो आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि यार हमारा, हमने आपको बताया 2018 में हमने 1050 Ti लगवाया था, मतलब 1050 Ti तब यार हम लेके बहुत खुश थे, और उस वक्त ही गेमिंग करवा रहा था। पिछले साल भी कोई मसला नहीं हुआ, इस साल हमें ज़रा लगा कि यार थोड़ा अंडर पावर हो गया है। तो यार हमने जाके अपना 1050 Ti हमने बिल्कुल सही कंडीशन में रखा था, डब्बा भी रखा हुआ था, तो हमने उसको 14000 तक का बेच दिया। तो 14000 का बेच के हमने GPU अपग्रेड कराया, और GPU जो है वो है RX 580, और वो हमें तकरीबन मिला है तकरीबन 26000 का। तो यही है, ये अपग्रेडेशन कराई है। दूसरी जो चीज़ है वो हमने अपनी SSD अपग्रेड कराई है, जो कि हमने पहले हमारे पास 256 की थी, अब 500 GB वाली SSD लगवा ली क्योंकि हमें स्पेस की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमने SSD भी अपग्रेड कर ली, 6000 डाले, पुरानी वाली हमने 4000 की बेच दी थी, और 6000 डाल के 6-7000 हमने 500 GB वाली SSD ले ली। तो ये दो हैं आपको थोड़ा व्लॉग, हमने आर्बिटेक से करवाया था तो उधर थोड़ा जाके व्लॉग भी किया, तो वो थोड़े क्लिप्स देख लें। और बाकी लास्ट में ये चीज़ करनी है, जो बाकी जितने भी हमने ये जो आपको P50 के PC बिल्ड बताया है, तो यार ये जो जितने भी पार्ट्स थे ये आपको यूज्ड ही मिलेंगे, मतलब न्यू नहीं होंगे, ये A to Z यूज्ड है। हो सकता है हार्ड डिस्क वगैरह कुछ थोड़ी नहीं मिल रही है, SSD तो नहीं मिलेगी, और बाकी सारा काफ़ी हद तक आपको यूज्ड ही मिलेगा। ग्राफिक कार्ड भी हो गया, प्रोसेसर भी हो गया, मदरबोर्ड भी। तो बजट में यार यूज्ड ही चलता है, ये डिपेंड करता है आप लेते किससे, क्योंकि यूज्ड पार्ट यार बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग डर जाते हैं कि यार यूज्ड पार्ट हो सकता है कुछ खराब हो। तो ये सारा यार सेलर पर डिपेंड करता है कहाँ से बाई करते हैं, और यही काम है हमारा, हम आपको बताने हैं कि कौन से बंदे हैं जिन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और जहाँ से यूज पार्ट भी लेंगे तो वो यार एकदम नई की तरह ही होंगे। तो यही है, नेक्स्ट देखें आप।
काम हो चुके हैं, फोन रिपेयर करवाना था वो करवा लिया, पीसी अपग्रेड करवाना था, बस अब जाके हम आरबी तक जा रहे हैं फोन पीसी पकड़ने, चेक करने कि उन्होंने सारी चीज़ें वगैरह कर ली है, पेज चेंज करवानी थी, ग्राफिक कार्ड SSD अपग्रेड की है, तो अब जाके चेक करते हैं कि अपना चीता तैयार हुआ कि नहीं। सारे काम करवा चुके हैं, पीसी वगैरह सेट हो गया, ओके हो गया, अब दोबारा एक साल या जब तक ज़रूरत ना पड़ी अपग्रेडेशन की तो अच्छी ट्राली घोड़ा दौड़ सकता है। और अभी 5 महीने पकड़ा हुआ है और RX 580 के बाद कंप्यूटर का वेट डबल हो चुका है क्योंकि ग्राफिक कार्ड भी बहुत ज़्यादा हैवी था। और ऐसे ही है, अब जा रहे हैं, उठाना मुश्किल हुआ है। तो यार आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी देर हो गई हमें वीडियो बनाए हुए, तकरीबन 2 महीने बाद एक वीडियो आ रही है, तो आपसे रेगुलर आने की कोशिश करेंगे और गेमिंग चैनल पे भी आप कंटेंट रेगुलर लाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। और अभी आपके भाई को एक झटका लगा कि फीस सेंटर आना काफ़ी महंगा पड़ गया, यहाँ की पार्किंग ही 100 रुपये की, 100, जैसा कि आप देख सकते हैं पार्किंग वो भी 100 रुपये की, 100 रुपये में मैकडोनल्ड की आइसक्रीम आ जाती है यहाँ आजकल 100 रुपये की पार्किंग। वही तब्दीली, नया पाकिस्तान, तो हम इसको इसी चीज़ सोच के इग्नोर करते हैं और चलते हैं। काफ़ी पीछे रश है, गर्मी है, काफ़ी खुआरी हो रही है।